हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमर्शियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुहास जाजड़िया जी, राजस्थान से। दोस्तों, जैसे ऊपर फोटो के अंदर ही आपने देखा है, तो आज अपन खेती बाड़ी से जुड़ी कोई बात नहीं करने वाले। आज अपन चोरों वगैरह बात करने वाले हैं। जैसे रात को अपने यहाँ पर लगभग 2:30-3 बजे के आसपास चोर आ गया था, तो कैसे वो जग गए तो थोड़े बच गए, फिर भी नुकसान कर गया, तो उसी बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं, ताकि आप भी ऐसी चीज़ों से थोड़े सावधान हो सके। तो दोस्तों, रात को लगभग 2:30-3 बजे ये जो रास्ता आ रहा है, इधर से वो आया था, सामने जो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं उनके पास से रोड जाता है अपने यहाँ से, तो उस रोड वो उधर ही अपनी बाइक को खड़ी करके फिर वहाँ से पैदल ही वो आया है, और आ करके यहाँ से ये जो अपनी यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो रात को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास इधर से थोड़ी आवाजें आ रही थी। ये सामने रूम है, इसमें मम्मी सोती है, तो इसमें से उन्हें थोड़ी आवाजें सुनाई दी। उन्होंने निकल वहीं से खिड़की में से देखा, तो यहीं पास में गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के पास में कोई आदमी की तरह उन्हें बैठा हुआ दिखाई पड़ा, तो उन्होंने जाके बाहर जाके पापा जी को जगाया। उन्होंने आके देखा तो तब तक वो जा चुका था, आवाज़ सुन के वो निकल चुका था। फिर वो टॉर्च लेके आके यहाँ पे देखा, तो उसने ये सब सामान गाड़ी के पास में पड़े दिखाई दिए। फिर गाड़ी को संभाला, तो गाड़ी में से पेट्रोल निकालने की कोशिश कर रहा था। अब बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इस गाड़ी में से पेट्रोल बिना ढक्कन खोले कैसे निकाल सकते हैं। किस किस को पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कैसे निकालते हैं वो, ढक्कन भी लगा हुआ है। पहले भी एक बार 2 साल पहले चोरी हुई थी इसी तरह से, इसी गाड़ी में से पेट्रोल, तब जाके पता चला था, वरना तो मुझे भी नहीं पता था कि इसमें इस पेट्रोल कैसे निकाल सकते हैं। तो उसने उस आरी की मदद से यहाँ पर से जो होस पाइप आता है गाड़ी का, इसको काटा है, ये काट लिया, इसके अंदर उसने पाइप डाला है, यहाँ से पाइप डाला और ये टंकी में से पेट्रोल निकाल लिया। अब ऊपर से तो यहाँ पे इसमें जाली आती है, तो ऊपर से पाइप डालने पे तो पाइप अंदर नहीं जा सकती, तो उसने यहाँ से काटा और तो उसने यहाँ से इसको पाइप को काट के और यहाँ से आरी की मदद से इसको काट लिया। पहले यहाँ से खोलने की कोशिश की है, खोलने पे सक्सेस नहीं हुआ, तो यहाँ से काट दिया इसको। और पहले भी एक बार निकला था, तब इसको यहाँ से हटा के फिर निकाल लिया था। तो कंपनी वालों को भी चाहिए कि जाली जो यहाँ देते हैं इसके अंदर, इसकी बजाय यहाँ जाली देनी चाहिए, ताकि अंदर कोई पाइप वगैरह न जा सके। अब लेके सामान वो कुछ आया नहीं था, पूरे सामान का सिस्टम भी उसने यहीं से आगे पूरा जुगाड़ उसने बैठाया, कैसे कैसे पूरा सामान लिया उसने, ये सारा सामान, ये तेल डालने के लिए बाल्टी जो यहीं कहीं रखी हुई थी अपनी बाल्टी है, ये आरी जो पाइप काटने के लिए उसने काम में ली, ये भी अपने यहीं से उठाई है, ये पाइप भी यहीं से काटा, तो और ये उसका होस पाइप के ऊपर जो क्लिप आती है उसको उसने पहले खोल लिया था, फिर नहीं सक्सेस हुआ तो फिर आरी ले गया। ये कैसे ले गया, वो आराम से आया, कोई सामान अपने साथ नहीं लिया गया, शायद कुछ और प्लानिंग करके आया था, यहाँ पे आते आते उसका माइंड चेंज हो गया और किसी चीज को उसने छुआ भी नहीं, सिर्फ पेट्रोल निकालने के लिए आया था, वरना इधर इस साइड में ये डीजल का भरा हुआ कैन रखा हुआ था, इसको भी लेके वो जा सकता था, लेकिन हो सकता उसने ध्यान नहीं दिया हो, इस वजह से ये बच गया। तो इस साइड में ये जो है, ये अपना एक तरह से स्टोर रूम की तरह है, खेती के छोटे मोटे उपकरण वगैरह इसी के अंदर पड़े रहते हैं, और एक
उसी ग्रोथ वगैरह। तो यहीं इसमें से उसने आराम से ये ग्रोथ निकाली है। ये जो पाइप है, पाइप लेने के लिए ये कूलर के अंदर पाइप लगा हुआ था, यहाँ से कूलर के अंदर जा रहा था पाइप, तो यहाँ से इस पाइप को बीच में से काट लिया उसने। ये पाइप था ऐसे और ये कूलर में लगा हुआ था, तो उसने बीच में से काट लिया। ये पाइप को वापस यहाँ पे अटका के छोड़ गया, क्योंकि इसमें ये पानी वापस आ रहा था कूलर का बैक प्रेशर से, तो पानी गिरे नहीं, इसलिए उसने वापस इस पाइप को इसी के अंदर आराम से लगा दिया। और ये पाइप का जोगाड़ उसने यहाँ से कर लिया, करोत का जोगाड़ उसने कर लिया यहीं से। तो बिल्कुल नेटर हो के 15-20 मिनट लगे होंगे ये सारे काम करने के अंदर उसे, तो आराम से किया। और लेकिन फिर भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। जब वो काट रहा था तो उसी समय वो काटने की आवाज से मम्मी की आंख खुल गई और मम्मी ने ये खिड़की में से देखा तो वो बैठा हुआ दिखाई पड़ गया। उन्होंने दौड़ के पापा जी को जगाया, वो जब तक बाहर आए तब तक वो भाग चुका था। फिर पीछे पीछे दौड़ के गए पापा जी भी, फिर वापस आके मुझे जगाया। हमने बाइक स्टार्ट की, रोड तक गए, रोड पे घूम गए, लेकिन वो शायद हो सकता उन पेड़ों के अंदर ही कहीं छुप के बैठ गया हो। बाइक भी पेड़ों की ओट के अंदर खड़ी कर रखी थी उसने, जो कि सुबह उसके निशान देख के आए थे, तो वो उधर तो मिला नहीं। फिर 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, तो खाना पूर्ति का काम रहता पुलिस का भी, और ऐसे चोरों का कर भी कह सकते हैं। इस समय में ये चारों और बाजरे वगैरह ये रहते हैं, तो अगर कोई आता भी है तो आराम से छुप सकते हैं बहुत आसानी से। तो यही था आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य, कि इन तरह के लोगों से थोड़े सावधान रहें। ये समय ऐसा, इस समय चारों ओर फसलें बड़ी बड़ी रहती है, तो आराम से वो छुप भी सकते हैं। और इतने शातिर लोग हैं ये 15-20 मिनट उसको लगे होंगे ये सारे काम करने के अंदर। वो आराम से निडर हो करके, बेफिक्र हो करके ये सारे जुगाड़ उसने यहीं कर लिए और आराम से निकाल रहा था। अगर हो सकता कोई बाहर आता तो कोई हादसा भी कर सकता था। तो ऐसे लोगों से थोड़े सावधान भी रहें और थोड़ा ध्यान भी रखें। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो बनाने का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और थोड़े सावधान रहें। धन्यवाद।